द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन. इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज. 1919 के बाद नेशनल मूवमेंट जो थी, यानी वो जो मूवमेंट थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो पूरे देश में चल रही थी, वो नए नए एरियाज़ में फैलना शुरू हो गई. इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप और नए नए लोगों के ग्रुप्स उससे जुड़ते गए एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. और किस तरह से हमें कोशिश करनी है, किस तरह से देश को आज़ाद करना है, उसके नए नए तरीके लोग डेवलप होने लगे और उसको प्रैक्टिस में आने लगे. हाउ डू यू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स? अब इन डेवलपमेंट्स को हम किस तरह से समझेंगे? वॉट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव? और उनका रिजल्ट क्या निकलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. पहली बात तो ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और उसकी वजह से एक नई इकोनॉमिक सिचुएशन. इकोनॉमिक सिचुएशन क्यों पैदा हुई थी? वो इस वजह से हुई थी क्योंकि लड़ाई में जब वॉर चल रही होती है तो आपको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको वेपन्स ख़रीदने हैं, फौजियों को खाने के इंतज़ाम करना है, तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. तो एक नई इकोनॉमिक सिचुएशन वहाँ पैदा हो चुकी थी हमारे देश के अंदर. एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. पॉलिटिकल सिचुएशन की क्या मतलब ये है कि या तो आप जंग जीतोगे तो आपके पास कुछ एरियाज़ आएंगे एक्स्ट्रा, कहीं कब्ज़ा करोगे आप, या हारोगे तो आपके एरिया जाएगा. तो इसलिए इसको कहा कि पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन दोनों ही आ गई थी वॉर की वजह से. इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स. और इसी वजह से जो लड़ाई के लिए जो डिफेंस बजट था, हथियार खरीदने हैं और बहुत सारी ज़रूरत है जो लड़ाई से जुड़ी हुई, उसकी वजह से बजट को बढ़ा दिया गया कि भैया हमको और ज़्यादा पैसा चाहिए. उसके लिए लोन लिया गया, वॉर लोन्स, एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और टैक्सेस को बढ़ा दिया गया. कस्टम ड्यूटीज, यानी देश से सामान का बाहर जाने या बाहर से देश में आने में जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटीज़, उसको भी बढ़ा दिया गया था. एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, और इनकम टैक्स को लागू कर दिया गया था. थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918. जब तक ये जंग चली तो 1913 से 1918 के बीच में, यानी इन 5 सालों में जो महंगाई थी वो दुगना हो गई, चीज़ों के दाम वो डबल हो गए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. इसलिए आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी. विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड एंगर. और क्या हुआ, फौजियों की ज़रूरत भी पड़ेगी लड़ाई के लिए, तो गाँव से, विलेजेस से सोल्जर्स की डिमांड करने लगे ब्रिटिशर्स. और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यानी ज़बरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती करने लगे. गांव में जाते थे और जो नौजवान लड़के होते थे उनको गाड़ियों में भरते थे और कहते थे, उनको ले जाते थे और फौजी वर्दी पहनाकर उन्हें जंग में फेंक देते थे. तो इसकी वजह से लोगों में एक गुस्सा भी था. देन इन 1918, 19 एंड 19, 20, 21, ये दो सेशन जो थे, 1918-19 के और 1920-21 के, क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. फसलें ख़राब हो गई थी, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो गई थी. दिस वॉज एकम्पनीड बाई इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. अब इतनी मुसीबत कम थी जो एक और मुसीबत आ गई, यानी इन्फ्लुएंजा, एक तरह से एक वायरल इन्फेक्शन होता है, फ्लू होता है, वो फैल गया था. एपिडेमिक यानी कोई बीमारी अगर बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों में फैल जाती है, एक ही बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है एक ही टाइम पर, तो उसको कहते हैं महामारी, यानी एपिडेमिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं. तो ये इन्फ्लुएंजा बीमारी वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी, खाने की भी कमी और ये बीमारी फैल गई. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, यानी 1921 में जो जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन जो काउंट हुई थी, उसके हिसाब से 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड, यानी 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे एज अ रिजल्ट ऑफ फेमिन्स, यानी जो अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, उसकी वजह से और इस महामारी की वजह से. पीपल होप्ड दैट दियर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर. लोगों ने सोचा चलो ये जंग की बात है, जंग खत्म हो जाएगी तो उनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी. बट दैट डिड नॉट हैपन. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपियर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. और इस स्टेज पर आकर नए लीडर सामने आए और उन्होंने नए तरीके सामने किए कि इस तरीके से हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमको आज़ादी मिल जाए. तो इसमें पहला है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ये सत्याग्रह क्या है? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ से 1915 में वापस आए. वो वहाँ पर उन्होंने जो रेसिस्ट रिजीम चल रही थी, द रेसिस्ट रिजीम विद अ नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, यानी काले गोरों में जो लड़ाई चल रही थी आपस में,
उसको बहुत अच्छे से सुलझाया था, उसे बहुत जल्द अच्छे से ख़त्म किया था। और उसका मेथड क्या था, वो मास एजिटेशन का, यानी बड़े लेवल पर आंदोलन करके उन्होंने इसके खिलाफ जो रेसिस्ट रिजीम थी, जो गोरे लोगों ने काले लोगों पर जो कब्ज़ा किया हुआ था, उन्हें जो परेशान कर रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। और उसका नाम उन्होंने दिया था सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ द ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। ये जो सत्याग्रह था, इसका मकसद क्या था कि वो ये बताता था कि सच्चाई में कितनी ताकत है और सच्चाई को ढूंढने के लिए कितनी ज़रूरत है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इस सत्याग्रह के अंदर ये बात है और ये सजेस्ट करता है कि अगर आप जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, वो वजह आपकी सही है। इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी अगर आपकी जो कोशिश है, आपकी जो स्ट्रगल है, वो इनजस्टिस के खिलाफ है, जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो भैया फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, लाठी डंडा कट्टा बारूद की ज़रूरत नहीं है आपको दुश्मन को हराने के लिए। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना बदला लिए और बिना जो है आक्रामक हुए, झगड़ा वगैरह किए हुए, आ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। वो अहिंसा के जरिए भी वो जंग को जीत सकता है, बैटल को विन कर सकता है। दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग टू द कॉन्शियंसेस ऑफ ऑपरेसर। ये कैसे हो सकता है कि जो आपका जो ऑपरेसर है, यानी जो अंग्रेज़ों ने हमें दबाया था, तो अभी तो इस तरफ अंग्रेज़ों की तरफ इशारा है, तो जो आपका दुश्मन है, जो आपको परेशान कर रहा है, आपको दबा रहा है, उसके अंदर की जो आवाज़ है। देखिए आदमी का मन जो है, आप किसी गलत काम को भी कर रहे होगे तो आपका मन कहेगा नहीं ये चीज़ गलत है। तो आदमी अगर खुद से पूछे अपने आप से कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत, तो आपका मन आपको सही रास्ता दिखाता है। लेकिन आदमी क्या करता है, कोई गलत काम करता है तो उस मन की आवाज़ को किनारे कर देता है। तो ये कहा कि सत्याग्रह में हमें क्या करना है कि जो आपका ऑपरेसर है, उसके जो अंदर की आवाज़ है, जो सच्ची आवाज़ है, उसको हमको बाहर लेकर आना है, उसको उसी रास्ते पे चलाना है जो उसका मन है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। लोगों को, जिसमें से आपके दुश्मन भी जो ऑपरेसर है, जो आपको दबा रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो भी शामिल है, उसको हमें राजी करना पड़ेगा कि तुम सच को देखो, इंस्टेड ऑफ बींग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। ना कि आप जो है उसको मजबूर करो और उसको फोर्स करो कि हाँ तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो, बल्कि हमें उसको मजबूर नहीं करना है, बल्कि उसको सच्चाई दिखाना है कि देखो ये सच्चाई है, और सच्चाई की तरफ आओ। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बॉर्न टू अल्टीमेटली ट्रम्प। और इस तरह से अगर आप कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आखिरकार जीत सच्चाई की ही होगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। गांधी जी ने सोचा था कि ये जो तरीका है हमारा, अहिंसा किए हुए, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, इसकी वजह से देश जुड़ जाएगा, क्योंकि हर कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार नहीं था। लोग डरते थे, भाई जान का मामला है, लेकिन इतना था कि हाँ चलो आंदोलन कर लेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने ऐसा किया कि ऐसा हम चीज़ करें और ऐसा रास्ता लोगों को दिखाएं जो इतना आसान हो कि सबको इससे जुड़ जाएं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। तो जब भारत में आए गांधी जी, तो उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह मूवमेंट को अलग अलग जगहों पर उन्होंने चलाया। इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। गांधी जी 1916 के अंदर चंपारण गए, बिहार का एक इलाका है, वहाँ पर वहाँ के किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप जो प्लांटेशन सिस्टम जो अंग्रेज़ों ने बनाया है, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, वहाँ पर किसानों को चंपारण के अंदर ये मजबूर कर रहे थे कि आप इंडिगो की खेती करिए, और किसान चाह रहे थे कि हम खाने वाली चीज़ें जो है, फूड जो है, उसको हम खेती करें, गेहूं ये चावल वगैरह, ताकि वो हमारे खाने के लिए भी हो जाए और जो ज़्यादा हो उसको हम बेच दें। लेकिन अंग्रेज़ चाहते थे कि वहाँ पर इंडिगो की आप खेती करिए। तो ये जो उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम बनाया था कि आपको यही खेती करनी है, उसके खिलाफ गांधी जी ने कहा कि आप लोग खड़े होइए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। फिर क्या हुआ, देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1917 के अंदर फिर गांधी जी गुजरात गए, खेड़ा के डिस्ट्रिक्ट जो है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वहाँ के किसानों को सपोर्ट किया, अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ भी फसल ख़राब हो चुकी थी और एक प्लेग फैल चुका था, एक बैक्टीरियल बीमारी है, वो फैल चुका था बहुत ज़्यादा। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। तो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के,
वो लोग लगान नहीं दे पा रहे थे, यानी अंग्रेज़ों ने टैक्स वो लगाया हुआ था उन पर कि इतनी खेती होगी तुमको, इतनी हमको फसल देनी है, तो वो दे नहीं पा रहे थे क्योंकि फसल हुई नहीं थी, बहुत थोड़ी सी थी और बीमारी भी इतनी फैल चुकी थी, तो इसलिए वो नहीं अपना रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। और ये डिमांड उठा रहे थे कि भैया हमको बख्श दो इस बार, और आप हमसे फसल ना लो या थोड़े बहुत कुछ में हमें छोड़ दो। इन 1980 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर। फिर 1918 के अंदर गांधी जी अहमदाबाद गए, वहाँ के जो कॉटन मिल में काम करने वाले लोग थे उनके बीच में सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। तो ये था पूरा सेशन। अगली वीडियो देखने के लिए नीचे दिया हुआ लिंक है, नेक्स्ट वीडियो उस पर क्लिक करेंगे तो अगली वीडियो पहुँच जाएंगे। थैंक यू।